देवास के उज्जैन रोड पर अर्जुन नगर में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसके गले पर किसी तेज धार हथियार से गला काटने के निशान है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों का कहना है कि उसने आत्महत्या की है, फिलहाल पुलिस का भी यही मानना है। जानकारी के अनुसार उज्जैन रोड पर अर्जुन नगर आड़ा कांकड़ में रहने वाले रफीक पिता रशीद की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसके गले पर धारदार हथियार से हमला करने के निशान है। बताया जा रहा है कि मृतक मानसिक रूप से विक्षिप्त था। घटना के दौरान उसके घर पर कोई भी नहीं था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों का मानना है कि उसने आत्महत्या की है, फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। परिजनों ने बताया कि सुबह के समय 10:30 बजे वह जिंदा था, उसके बाद दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। वहीं पत्नी नौकरी करने गई हुई थी। मानसिक रूप से उसका संतुलन ठीक नहीं था, जिसका उसका इलाज भी चल रहा था। मृतक के शव के पास दराता भी रखा हुआ था। मृतक के 3 बच्चे भी हैं। सर बताइए कौन सी जगह है और क्या है पूरा मामला, आप इस पट पर आए क्या है? अर्जुन नगर है, मस्जिद के पास मकान है, मृतक का नाम रफीक है इनका, और ये 10:30 बजे तक जिंदा थे। इनके भाई ने, उनके जिया ने इनको जिंदा देखा है, और उसके बाद जब घर का दरवाजा नहीं खुला था, जाके देखा बच्चे रो रहे थे बाहर से, अंदर जाके देखा तो इनका गला कटा हुआ था। और मृतक के बारे में पता लगा है कि मृतक की पत्नी जो है कहीं मजदूरी करने बाहर गई थी, और जो मृतक है थोड़ा साइको टाइप का था, बीमार रहता था, मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी उनकी, इसका इलाज भी कराया था उन्होंने। तो अभी जो है गला कटने से इसकी मौत हुई है, अभी इसकी जाँच कर रहे हैं। सर कौन सी जगह है ये? ये अर्जुन नगर। सर आपका नाम बताइए। विनय सिंह चौहान। चलो ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।